आज की रेसिपी में बनाने वाले हैं हम मूंग की दाल, जो कि बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे और बन के दिखने में वो ऐसी होगी। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी खुशकल मजेदार मूंग की दाल बनाना तो देखते रहिए वीडियो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानुका किचन। आज हमारे किचन में बनने वाली बहुत ही मजेदार मूंग की दाल, बहुत ही आसानी से बनाने वाली दाल है ये, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो हमने यहाँ पे ले ली है 1 कप मूंग की दाल। इसे मैंने धो के चुन के अच्छे से गर्म पानी में आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अगर आप भिगो के नहीं रखते हैं तो पक तो जाएगी दाल, लेकिन ये होगा कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमने इसको भिगो लिया। ये नरम हो गई है, जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ 1/2 किलो दाल हमने ली है। यहाँ मैंने इसके भगार का सामान रखा हुआ है, 1 टीस्पून जीरा, 5 अदद मैंने यहाँ पे ले ली है गोला मिर्च, 2 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं और कड़ी पत्ता ले लिया। ये हमने धो के सुखा के रखा हुआ है, इसकी खुशबू फिर भी आ जाती है अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो। ऑयल हमने यहाँ पे रखा है, तकरीबन 3 डिश स्पून इसमें ऑयल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है हरा धनिया, जो कि हम जब दाल बन जाएगी तो लास्ट में डालेंगे। यहाँ मैंने ले लिया धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 हरी मिर्चें हमने यहाँ पे ले ली हैं, 1 अदद बड़ा टमाटर ले लिया है। यहाँ मैंने लिया है पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अब रह गया ये हमारा पानी। ये मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रही हूँ कि मैंने 1 जग पानी लिया है, हम दाल बनाने वाले हैं पतीली में। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि सबको आसानी से बनानी आए दाल। तो पानी जो हमने लेना है वो मीठा पानी होना चाहिए, खारा पानी ना हो, क्योंकि अगर आप खारा पानी लेंगे तो आपकी दाल जो है वो गल तो जाएगी लेकिन उसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मीठा पानी लाजमी है, 1 जग पानी। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने बताई है मूंग की दाल की रेसिपी। आप मसूर की दाल भी इसी तरीके से बना सकते हैं, चने की दाल भी इसी तरीके से बना सकते हैं, माश की दाल भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये तरीकाकार यही है, हम बनाने वाले हैं पतीली में, तो अब आपको बताते हैं हम कैसे बनाएंगे। एक पतीली ले ली है हमने, इसमें हमने अपना डाल देना है ये 1 जग पानी। अच्छा, ये जो हम दाल बना रहे हैं इसको शुरू में तो मैं 5 मिनट जो है तेज आंच रखूंगी। जब हम ये बनाएंगे तो इसके जितनी धीमी आंच पे, ये हम इसमें दाल शामिल कर रहे हैं, जितनी धीमी आंच पे आप इसको बनाएंगे उतनी ही टेस्टी आपकी दाल बनेगी, ये आप याद रखिएगा। तेज आंच पे बनाएंगे तो आपकी दाल मज़ेदार नहीं बनेगी, पक तो जाएगी अगर आप जायका भी चाहते हैं तो, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ। ये हमने दाल डाल दी इसमें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट को सेव करना के पीसना, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल देना है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सौंफ मिर्च पाउडर और ये जो टमाटर है ये मैंने अभी साबुत रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। इसको हमें इस तरीके से कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं कटिंग करना, बस इस तरीके से हमने ये पीस डाल देने हैं। टमाटरों से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप अगर खटाई पाउडर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हमें ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो ये हरी मिर्चें हमने ली, ये भी इस तरीके से 3 हिस्सों में हम इसमें डाल देंगे ऐसे। ये सब डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स ऐसे और इसको अब हमने ढक देना है। अभी मैंने तेज आंच की हुई है ताकि पानी में उबाल आ जाए। 5 मिनट के बाद जब पानी में उबाल आ जाएगा इसे हम ढक देते हैं। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढक्कन को इस तरीके से हटा देना है और हल्की आंच कर देनी है ताकि हमारी दाल उबल के बाहर ना आ जाए। तो जब उबाल आने तक आपने दाल का ध्यान रखना है, फिर हल्की आंच करके आप इधर उधर हो सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ये हमने इसको ढक के रखा था फुल आंच पे, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हमने इसको दोबारा मिक्स करना है। अच्छा, बीच बीच में आपने जो है ना, इसको जब हल्की आंच पे हमने रखना है तो इसको चम्मच चलाते रहना है, इस तरह का लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इसे हमने भूनना तो नहीं है, लेकिन ये हमारी नॉन स्टिक पतीली है, ये इसके लिए सही रहेगा। अगर आप दूसरा लेंगे तो हमारी पतीली ख़राब हो जाएगी। तो ये जो है टमाटर और हरी मिर्चें ये सब बीच में घुल जाएंगे। अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है, इसको दोबारा ढक देना है और इसकी आँच को करना है हल्के, अभी तेज़ रखी थी ना हमने, तो इसको हल्की आँच पर हम रख देंगे और इसको 1/2 घंटे के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कैसी बनी है ये दाल। तो 1/2 घंटे तक अब इसको रख के आप भूल जाए।
आधा घंटा हो गया है हमारी दाल को हल्की आंच पे पकते हुए। हमने बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाया था। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो तकरीबन तैयार होने पे है। इसमें सारे टमाटर वगैरह जो है वो मिक्स हो गए। इसको हमने टमाटरों को इस तरीके से यूं इससे मैश करते गए थे ताकि इस टमाटर का टेस्ट बीच में आ जाए इस तरह से। अगर आपको छिलके नहीं पसंद टमाटर के तो आप दो पीस में टमाटर डाल दें और उसका छिलका उतार के फिर बीच में डाल दें तो, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है। तो अभी ये जो हमारी दाल है ये तकरीबन गल गई है, लेकिन ये अभी मिक्स सही नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये दाना नज़र आ रहा है फटा फटा सा। तो इसको हमने अभी 15 से 20 मिनट और पकाना है। हल्की आंच में बना रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन मज़ेदार दाल बनेगी। तो 20 मिनट के लिए आप इसको फिर हल्की आंच पे रहने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडी हो जाएगी। जी तो हमारी दाल देखें बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से घुल गई है। सारे टमाटर और हरी मिर्च देखें आप बीच में मिक्स हो गए हैं। अच्छा, अगर आप ये चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा। अगर रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। बहरहाल हमारी दाल अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छी शक्ल की बन गई है। बगैर कुकर के हमने ये बनाई है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसका भगार लगाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसके अलावा भी मेरे चैनल पे दाल की रेसिपीज हैं, मसूर की दाल की, खट्टी दाल की, माश की दाल की, चना फ्राई दाल की, तो आप वो ज़रूर देखिएगा अगर देखना चाहते हैं। तो अब मैं जो भगार लगाऊंगी वो मैं पतीली में नहीं लगाऊंगी, मैं इसे डोंगे में निकालूंगी ताकि खाने में अच्छा लगे। फिर मैं भगार की तैयारी कर रही हूँ। हमने एक फ्राई पैन ले लिया है छोटा, अगर आपके पास छोटा नहीं है तो आप बड़े में भी कर सकते हैं। इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं क्योंकि हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। तो एक माचिस की तीली लेंगे, इसे हम इस तरीके से देखें ये बबल्स उठना शुरू हो गए, इसका मतलब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो लहसुन की मैंने कलियाँ ली थी ये इसमें डालनी है बहुत आराम और एहतियात के साथ ताकि आप पे छींटे ना पड़े। इनको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको ये कड़ी पत्ता बताया था ये हम सबसे लास्ट में डालेंगे वरना ये जल जाएगा। तो अब ये जैसे ही थोड़ी सी गोल्डन होती है और हल्की आंच में आप भगार बनाइएगा वरना ये लहसुन वगैरह भी जो है जल जाएगा। लहसुन का भगार जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है जब खाने में ये आता है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक गोला मिर्च और इसको इसी तरीके से चम्मच से हिलाऊंगी। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है अपना ये ज़ीरा। और जब मैं कड़ी पत्ता डालूंगी तो उस वक्त मैं चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि हमारा कड़ी पत्ता जले ना। वो बहुत ही हरा धनिया और पिसा गरम मसाला जो है वो जब मैं भगार लगा दूंगी तो डोंगे में ऊपर से डालूंगी जो मैंने आपको बीच में दिखाया है। ये हमारी जो है लहसुन की कलियाँ भी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, ज़ीरा भी हो गया है और ये मिर्चें भी। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और इसे मैं डोंगे में डाल दूंगी। ये हमारा भगार तैयार हो गया। ये हमने दाल डोंगे में रखी हुई थी, अब हम इसके भगार लगाएंगे। अगर हम ये पतीली में लगा देते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये कि इस तरीके से अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पिसा हुआ गरम मसाला इस तरह से। अगर आप नहीं मसाला डालना चाहते तो आपकी मर्जी है। और ये हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे जितना आप चाहें। तो ये हमारी जो मूंग की दाल है ये तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म मूंग की दाल रेडी है। इसे खाइए, बनाइए, चाहे कुकर में बनाए चाहे पतीली में। पतीली में टेस्ट और होता है, कुकर में और होता है। आप इस तरह से बनाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। तो बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।